अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नगमा किचन। मैं हूँ नगमा। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है नूडल्स कबाब। ठीक है, ये कबाब बहुत मज़े के होते हैं, बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं, बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। आप सुबह उनको लंच बॉक्स में साथ उनके उनको दे सकते हैं। ठीक है, तो चले आए, मैं आपको बताती हूँ उसमें कौन कौन सी अशिया शामिल हैं। सबसे पहले इसमें नूडल्स कबाब हैं, तो ये हमने 2 मिनट्स मैगी नूडल्स जो होते हैं चिकन फ्लेवर वाला, ये मैंने उसका एक पैकेट बॉईल करके रख लिया। ठीक है, ये हर घर में तकरीबन होता है, बच्चों के लिए हम लाते हैं, तो ये एक पैकेट उसका है 2 मिनट मैगी नूडल्स का चिकन फ्लेवर का, ये मैंने बॉईल करके रख लिया। इसमें 2 अंडे जाएंगे, एक छोटी गाजर जी है उसकी छोटे छोटे क्यूब्स काट के मैंने रख ली है, 2 अदर सब्ज मिर्चें हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना, तो आप सब्ज मिर्चें हटा सकते हैं। और ये छोटी छोटी मैंने काट के रख ली हैं, और आधी शिमला मिर्च जो है वो मैंने छोटी छोटी काट के रख ली है। टमाटर छोटा एक है, उसके अंदर से बीज निकाल के उसके छोटे छोटे क्यूब्स काट के रख लिए हैं। और प्याज हम देख लेंगे इसमें से कितना डालेंगे, वैसे ये एक छोटा प्याज है दरमियाने साइज का, उसके क्यूब्स काट के रख लिए हैं। और 2 अदद जो है, 2 से 3 अदद ये जो है धनिया, सब्ज धनिया जो है इसके छोटे छोटे पीसेस काट के रख लिए हैं। इसमें जाएगा नमक, ठीक है, आप 1 टीस्पून के बराबर डाल सकते हैं या अपने टेस्ट के मुताबिक। काली मिर्च पाउडर है 1/2 टीस्पून जाएगी, कुटा कुटा जीरा है ये 1 टीस्पून के बराबर जाएगा, और इसमें कुछ दूध हम शामिल करेंगे। तो आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम ये 2 अंडे जो हैं, देखिएगा छिलका अंदर ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरा अंडा भी हमने तोड़ लिया। इसके अंदर कुछ दूध शामिल कर लेते हैं। इसके अंदर हम खुश मसाले डाल लेते हैं। सबसे पहले नमक, ये मेरा 1/2 टीस्पून के बराबर नमक है, ये मेरा टीस्पून जो है ये 1/2 टीस्पून के बराबर होता है। 1/2 टीस्पून नमक डाल दिया, 1/2 टीस्पून काली मिर्च डाल दी, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा डाल दिया, तो मिक्स कर लेते हैं। जो हमने सबसे पहले वेजिटेबल्स मिक्स कर लेते हैं, ये शिमला मिर्च, सब्ज मिर्च कटी, गाजरें, प्याज का बीज निकाल के, सॉरी टमाटर का बीज निकाल के इसको आपने कि उसमें काट लेना, छोटा टमाटर है, और कुछ प्याज भी इसमें हम शामिल कर लेंगे, बाकी के हम देखेंगे क्या ज़रूरत हुआ तो डाल लेंगे। 2 से 3 अदद टेबल स्पून सब्ज धनिया मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए बस ये देखें, हमने मिक्स कर ली इसके अंदर सारी जो भी हमने वेजिटेबल्स काट के रखी हुई थी। इसके अंदर मैं थोड़ी सी काली मिर्च और शामिल कर देती हूँ, ये देखें, ठीक है, और थोड़ा सा सॉल्ट भी जो है वो और शामिल करें। अब इसके अंदर हम मैगी नूडल्स शामिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैगी नूडल्स जो हमने चिकन मैगी नूडल्स बनाए थे, इसके अंदर का जो मसाला इसके अंदर पड़ा होता है वो भी इसके अंदर डला होता है, तो इसलिए ये इटसेल्फ इनके अंदर अपना टेस्ट है, तो इसको हम इसके अंदर यूं मिक्स कर लेंगे। ये देखें,
ये बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। ये कबाब आप बच्चों को सुबह लंच बॉक्स में दे सकते हैं, केचप के साथ बहुत मज़े के लगेंगे। और घर में भी आप झटपट, क्योंकि 2 मिनट में आपके नूडल्स बन जाते हैं और ये सारी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। अगर आप चाहें तो आप सर्दियों में उसमें मटर भी शामिल कर सकते हैं। चलें जी, हमारा मिक्सचर तैयार है, बहुत हेल्दी हैं, इसमें अंडे भी हैं, वेजिटेबल्स भी शामिल हैं। और अब हम अपना फ्लेम जो है उसको ऑन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अपने पैन को गरम कर लेंगे, इसमें ऑयल डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल गरम हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम नूडल्स कबाब जो हैं वो डालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर आप इसको फैला दें ताकि हर तरफ इसको अच्छी तरह सीख लें। अब इसको हम थोड़ा गरम होने देते हैं। चलिए ये हम चेक कर लेते हैं, ऑयल गरम, ऑयल देखें बबल्स बन रहे हैं, गरम हो चुके हैं। थोड़ी सी आग हम स्लो कर देंगे, ये हमने इतनी बस हीट इसकी रखी हुई है। अभी हम अपने इसमें नूडल्स के कबाब जो हैं वो डालेंगे, बस एक एक चम्मच में आप यूँ डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको आप यूँ यूँ यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे पैन केक्स बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप इनको बार बार टर्न नहीं करना, जब एक तरफ से हो जाएंगे तो फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे। चलिए, बहुत ज्यादा भर के नहीं डालना, अभी हम ये रहने देते हैं, 4 काफी हैं इसके अंदर। जब ये हो जाएंगे तो फिर हम जो है और इसमें शामिल कर सकते हैं। एक तरफ से होने देते हैं, जब ये ब्राउन हो जाएंगे लाइट गोल्डन ब्राउन तो फिर हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। चलिए व्यूज, ये देखें ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जरा आपने शुरू में इनको थोड़ा आराम से करना है ताकि ये टूटे ना। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मैदा भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये होते थोड़े बहुत ही नाजुक से हैं, तो फिर ये है कि आपको ये ना हो कि आप टूटेंगे नहीं। ये देखें मेरे भी बन रहे हैं, लेकिन वैसे मैं कह रही हूँ कि अगर आपको ज़रा जल्दी उसको करने हैं तो आप इसको, अगर आपको कोई ब्रेक हो भी जाता है तो आप इसमें अंडों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, आप एक इसमें अंडा और डाल सकते हैं, 3 अगर अंडे डालेंगे तो ये आपके ज़्यादा और चलें। अब दूसरी तरफ से भी जब ये हो जाएंगे तो फिर हम इसको निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए कोशिश करें कि आप ये डीप वाला पैन ना इस्तेमाल करें बल्कि फ्लैट पैन को इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें से ज़रा थोड़ा टर्न करना और निकालना मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। उसी तरह से जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इनको निकाल देंगे। चलिए व्यूज, ये जो मैंने बनाए हैं नूडल्स कबाब, ये मैंने विदाउट मैदे के बनाए हैं, तो इसमें हम मैदा भी शामिल करके बना सकते हैं। मैं आपको थोड़े से कुछ उस तरह भी बता देती हूँ। ये देखें इसमें हम कुछ थोड़ा सा मैदा शामिल कर लेंगे, दो टेबलस्पून के बराबर आप इसमें मैदा शामिल कर लें। ये देखिए फिर आपके ये शक्ल में आ जाएंगे, तो फिर आप इस तरह से बना के देखते हैं, फिर आपको इसका रिजल्ट नजर आएगा कि ये मैदे के साथ किस तरह की लुक देते हैं। ठीक है, वो विदाउट मैदे के, ये विद मैदा हम बनाएंगे। इसमें मसालों की क्वांटिटी बिल्कुल ठीक है, उनको मजीद बनाने की जरूरत है। चलिए व्यूज, ये हमारे पहले जो हमने डाले थे वो तैयार हैं, इनको निकाल लेते हैं और फिर हम सेकंड बैच डालते हैं। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये बेस्ट फॉर ब्रेकफास्ट के लिए भी हैं। बच्चों को सुबह, अगर आप बच्चे, आपके पता है नाश्ता नहीं, ब्रेड वेड खाना पसंद नहीं करते हैं, तो अगर आप खाली उनको ये भी बना कर दे देंगे तो
तो उनको बहुत ही टेस्टी लगेंगे। इसमें एक और ऑप्शन भी आप कर सकते हैं, इसमें हम थोड़ा सा पहले ऑयल हम डाल लें ये। इसमें सेकंड ऑप्शन आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें कुछ चीज़ मिक्स कर दें, चेडर चीज़ इसमें अगर आप कुछ मिक्स कर दें या मोज़रेला चीज़, तो ये फिर चीज़ भी इसमें आ जाएगा तो बच्चों के लिए और हेल्दी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल भी देखें बहुत ज़्यादा नहीं, आप बटर में भी बच्चों को बना के दे सकते हैं, आप ऑयल की जगह बटर यूज़ कर लें तो ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। ये अब जो मैंने मैदे के साथ 2 टेबलस्पून इसमें मैदा शामिल किया था, तो अब इनको हम भरने देते हैं, एक साइड से हो जाएंगे तो फिर इनकी साइड को चेंज करेंगे। इनकी भी उस साइड को बार बार चेंज नहीं करना, बस जब एक तरफ से हो जाएंगे आपको लगेगा पक गए हैं, ऊपर वाला मटेरियल आपको ड्राई ड्राई लगेगा, पके हुए लगेंगे, फिर आपने इसकी साइड चेंज कर दी, ठीक है, वरना इनके टूट जाने का फिर डर होता है। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे ये नूडल्स कबाब जो हैं ये तैयार हो रहे हैं बहुत अच्छे से, इनमें खूबसूरत सा कलर आ गया। इसमें मैं 2 और डाल देती हूँ, बस हमारे 2-3-4 रह गए हैं इनको हम करके, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ भैया सर्व करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारे बनकर तैयार हुए। चलिए व्यूअर्स, ये हमारे सारे नूडल्स कबाब तैयार हैं। ये देखें मैं इसमें ये सर्व कर रही हूँ उसको, ये मेरे पास ये शीशे की बहुत अच्छी ग्लास की एक है डिश, तो इसके अंदर मैं इसको सर्व कर रही हूँ। तो सारे कबाब हमारे तैयार हैं, हम इनको निकाल लेते हैं। देखें कितने अच्छे खूबसूरत इनका कलर आया है, आप यकीन माने आप बनाएंगे तो आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। और इसको आपको जो मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन मैदे वाली, तो आप 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैदा डाल के तो फिर इनको बनाएं, ठीक है। ये देखें इस तरह से करके हमने अपने सारे नूडल्स को आपसे उनको तैयार कर लिए। हीट हमने कर दी है ऑफ, थोड़ा सा हम इनको कर लेते हैं सेट, ठीक है जी, इस तरह से। और अब हम टेस्ट करके देखते हैं कि हमारे नूडल्स आपके बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। बच्चों को क्या, बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि ये होती ही बहुत मज़े की हैं और ये एक बेहतरीन ब्रेकफास्ट है क्योंकि इसमें हर चीज़ शामिल है, ठीक है। तो इसमें आप अंडों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, उस हिसाब से आप दूध की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, वेजिटेबल्स अपनी चॉइस की डाल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें चीज़ मिक्स कर सकते हैं। और अगर आप वेजिटेबल, आपके बच्चे इसी बहाने वेजिटेबल खा लेंगे, और अगर आपने वेजिटेबल वाले नहीं बनाने या बल्कि वेजिटेबल डाल के आप इसमें कुछ चिकन भी मिक्स कर सकते हैं, चिकन बॉईल करके उसके कुछ श्रेडेड करके कुछ उसके पीसेस भी आप मिक्स कर सकते हैं। तो मेरे जो अपनी चॉइसेस की चीज़ें थी वो मैंने आपको डाल के बता दी, जिस तरह से मैं बनाती हूँ मेरे वर्जन में, आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कबाब कैसे बने। इसको केचप के साथ हम सर्व कर रहे हैं, आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बच्चे केचप पसंद करते हैं। जी व्यूअर्स, यकीन माने ये बेस्ट हैं, एक बेस्ट ब्रेकफास्ट जिसको आप कह सकते हैं वो है। डे टाइम पे भी आप बना के बच्चों को दे सकते हैं, लंच में भी आप बच्चों को स्कूल के लिए दे सकते हैं, तो इनको जरूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ में ये बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये शुरू में जो 3 कबाब थे ये वो थे जो मैंने मैदे के बगैर बनाए थे, ठीक है, और ये वो जो है मैंने मैदे के साथ बनाए थे। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा।
और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।